तो स्वागत है आपके YouTube चैनल पे नॉज पे। क्या आपने भी PFC का शेयर के रखा है? क्या आपके पास भी PFC का शेयर है? Q3 के रिजल्ट के पहले ही PFC धमाका करना शुरू कर दिया है। PFC की ओर से बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहा है। शेयर का प्राइस कुछ दिन पहले 428 रुपये के ऊपर पहुंच गया था। जो शेयर PFC 100 रुपये के आसपास, 100 सवा 100 के आसपास ट्रेड हो रहा था, कुछ ही दिनों में शेयर में ऐसा क्या हुआ है कि ये शेयर 400 के पास पहुंच गया। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे PFC के शेयर को लेके और इसको लेके क्या चल रहा है PFC। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों PFC का शेयर जो कि पाया मतलब एक NBFC में आता है PFC का शेयर एक दिन में फिलहाल 0.6% का जो इसमें गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के अंदर 1.1% का गिरावट बना, एक महीने में 16.6% का जो है तेजी दिया है ये शेयर ने। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है PFC। ड्यूरेबिलिटी 45 आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 62.50 आउट ऑफ 100, मोमेंटम 71.50 आउट ऑफ 100। इसमें क्या हुआ है देखिए, 6 महीने का हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। 6 महीने के अंदर PFC के शेयर में जो हाई प्राइस बना है वो है 420.75 पैसे का और जो लो प्राइस था 172.40 पैसे का। तो दोस्तों अगर आपने PFC का शेयर 172, 176 इसमें खरीदा है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिला रहा है। तो आपने कितने में खरीदा है कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास PFC का शेयर है तो 3 महीने के अंदर बात करते जो इसका हाई प्राइस था 420.75 पैसे का और जो लो प्राइस था 225.50 पैसे का। 1 महीने के अंदर बात करते PFC के शेयर में 420.75 पैसे का एक हाई प्राइस था, लो प्राइस था 325.70 पैसे का। और एक हफ्ते के अंदर देखिए 399 रुपीज़ का इसका एक हाई प्राइस था और लो प्राइस जो था 379.50 पैसे का। तो अभी PFC का शेयर का हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। इसका देखिए जो मार्केट कैप है PFC का 1,26,261.90 करोड़ का है। तो ज़बरदस्त मार्केट कैप बढ़ गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 1.1 है, तो इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। अभी PFC जो काम करता है, जो पावर फाइनेंस मतलब कंपनी है, एक NBFC है, इसका कुछ दिन पहले Q2 का रिजल्ट आया था। Q2 के रिजल्ट में PFC का आप देख सकते हैं 15.8% का जो टोटल जो रेवेन्यू उसका हुआ था 15.8% जंप हुआ था। वही दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16.6% के आसपास गिरावट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27.3% का जंप हुआ था। और EV/EBITDA की बात करते हैं जहाँ पे EV/EBITDA जो है 27.3% बढ़ गया था, नेट प्रॉफिट 22.8% बढ़ गया था जब हुआ था। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो मतलब टेक्निकली शेयर अभी बुलिश लेवल पे चल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है 57.8% मतलब अभी मतलब बोलते हैं कि ये जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है। देखिए अभी एक हमें लगता है कि मौका है PFC के शेयर में खरीदारी करने का। शेयर उतना खरीदारी नहीं हुआ है शेयर में और जो अपडेट आया है उसके चलते शेयर यहाँ से थोड़ा तेजी बना सकता है। बहुत ज़्यादा टारगेट पर फिलहाल नहीं रखना चाहिए अगर इस प्राइस में कोई खरीदता है तो। BSE और इसे मिला के एक दिन के एवरेज देखते हैं दोस्तों, 11.3 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 36.5% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 4.1 मिलियन का। एक हफ्ते का BSE से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 12.6 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 40.4% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 5.1 मिलियन का। एक महीने का BSE से मिला के एवरेज देखने को मिला है 21.7 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 34.5% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 7.5 मिलियन का। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो PFC के शेयर का डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे थोड़ा घटता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं PFC में, जहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 55.98% का स्टेक है, FIS के पास 16.85% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 12.28% का स्टेक है, 12.2% का स्टेक है, और अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.7% का स्टेक है, पब्लिक के पास 9.25% का स्टेक है। दोस्तों PFC जो कुछ दिन के अंदर इन्वेस्टर्स को एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस शेयर में अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है। जैसे कि कुछ दिन पहले भी अगर देखते हैं तो PFC का जो स्पेशल व्हीकल है करके जो एक प्रोजेक्ट है उसमें देखेंगे तो टाटा को भी जो है एक कंपनी को सब्सिडी जो बेच रहा है। अभी यहाँ पे अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं उनको जो एक लेटर मिला है, इस कंपनी को अदानी एनर्जी सोल्यूशन को एक लेटर मिला है जहाँ पे इंटेंट टू एक्वायर हलवर्ड ट्रांसमिशन फ्रॉम PFC कंसल्टिंग। तो हलवर्ड ट्रांसमिशन जो है
ये पीएफसी कंसल्टिंग से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन खरीदेगा, और फिलहाल इसको जो एक लेटर भी मिल चुका है इंटेंट मतलब एक्वायर करने के लिए एक लेटर मिल चुका है। पीएफसी ने बोल दिया कि खरीदारी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले टाटा को भी ऐसा ही एक सब्सिडियरी जो है पीएफसी ने बेचा था। हेल्बर्ट ट्रांसमिशन जो है ये एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है पीएफसी का है, हैज बीन सेटअप बाई पीएफसी कंसल्टिंग फॉर एवोकेटिंग 77 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम खरवा आरी पार्क गुजरात। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये गुजरात में है, पीएफसी ने ये सेटअप किया था, और इसमें जो है 7 GW रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा। तो इसको अभी खरीदने के लिए जो है एक बोल सकते कि टैरिफ में जो है चल रहा था, और जहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है ये फिलहाल बोल सकते कि एक फाइनल बीडर या फिर बोल सकते कि विनिंग बीडर मतलब जो है यहाँ पे हुआ है, मतलब इनको जो ये अदानी को मिलने वाला है। अभी अदानी का जो ये कंपनी है AESL, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे 3,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इसको बनाने के लिए, टू बिल्ड ओन ऑपरेट एंड मेंटेन द 301 किलोमीटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, एक कंपनी स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे अदानी की ओर से 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे अदानी जो है यहाँ पे 3,000 मतलब 301 किलोमीटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है बनाएगा, जहाँ पे 35 ईयर्स के लिए रहेगा। AESL ओन द प्रोजेक्ट थ्रू टैरिफ बेस्ड कम्पिटिव बिडिंग एंड विल कमीशन इट इन नेक्स्ट 24 मंथ्स। तो करवा आरी पार्क इज देख सकते हैं जो कि बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आरी पार्क है, विद ग्रीन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 30,000 मेगावाट। तो एक लार्जेस्ट ये स्पेशल पर्पस प्रोजेक्ट मतलब व्हीकल है जो कि पीएफसी बेच रहा है अदानी को। तो इसके कुछ दिन पहले भी दोस्तों अगर देखेंगे तो पीएफसी ऐसा ही एक जो है एक सब्सिडियरी जो है बेचा है, या फिर जो एक प्रोजेक्ट है वो बेचा है टाटा को। तो पीएफसी अभी Q3 के पहले ही अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे जो इसके स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है वो बेच रहा है, जिसमें इसका पीएफसी का जो है एक फंडिंग जो है अच्छा खासा मिल जाएगा, पीएफसी को इसमें अच्छा खासा इसमें पैसा मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो ये प्रोजेक्ट भी बेच रहा है या फिर ये स्पेशल व्हीकल पर्पज जो ये भी बेच रहा है, तो इसमें भी अच्छा खासा फायदा एक पीएफसी को होने वाला है आगे चल के। Q3 के रिजल्ट में हमें लगता है कि पीएफसी एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पोस्ट कर सकता है। अभी किसी के पास अगर पीएफसी का शेयर है दोस्तों, तो आपने देखा रहेगा कि पीएफसी जो एक जबरदस्त डिविडेंड भी देता है इन्वेस्टर्स को, एंड यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक पीएफसी ने 35 डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर्स को, एंड इन द पास्ट 12 मंथ्स की बात करते हैं इक्विटी डिविडेंड जो इसने दिया है वो है 12.50 per share, तो साल का आपको 12। तो दोस्तों पीएफसी का शेयर का हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में समझा है, अभी इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए टेक्निकली अभी बात करते हैं तो एक दिन का भी अभी देखते हैं तो न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी शेयर चल रहा है। तो हमें लगता है देखिए पीएफसी के शेयर में हमें लगता है कि शेयर जो है अभी मीडियम रेंज में चल रहा है, मतलब इसका जो शेयर है इसमें ज़्यादा खरीदारी वगैरह फिलहाल नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि 382 के आसपास ये शेयर चल रहा है, तो यहाँ से बहुत ही छोटा सा टारगेट प्राइस आगे देखने को मिल सकता है, रख के चल सकते हैं। और शेयर अगर 400 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे भी आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए शेयर में फिलहाल, अभी इसमें थोड़ा गिरावट बनेगा अभी, जैसे कि मतलब बोल सकते कि जो डिमांड है इसका थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से खरीदेंगे तो छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, और अगर इसमें पीएफसी के शेयर में थोड़ा सा और ज़्यादा गिरावट